हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे पास अनबॉक्सिंग के रॉक लाइट की ब्रांडिंग के साथ आने वाला रिचार्जेबल टॉर्च इन एलईडी लैंप वगैरह है, जिसकी बिल्कुल अनबॉक्सिंग वगैरह करूँगा, प्राइजिंग और फीचर्स वगैरह बताऊँगा। क्या इस प्राइस में इस रिचार्जेबल लाइट को आपको परचेजिंग वगैरह करना चाहिए कि नहीं। चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़े, बता दूँ वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि प्राइजिंग की बात करो तो दोस्तों प्राइजिंग बहुत कम है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला टॉर्च की बात करो तो। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक वगैरह कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो भी कर दीजिए, उसके बगल में लेकर होगा उसे भी लाइक वगैरह कर दीजिए। चलिए फिर दोस्तों बॉक्स पैकिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रॉक लाइट की ब्रांडिंग की, पावर जूम की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे आपको इसका मॉडल नंबर RL6106W इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है, काफ़ी 75 वाट लेजर लाइट का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है, तो काफ़ी डिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड वगैरह कराएगा। इसमें आपको 3 कलर आता है, हमारा रेड कलर है, ग्रीन कलर और येलो कलर आता है, तो उसमें आप सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं, कलर ऑप्शन अपने हिसाब से मैनेज वगैरह कर सकते हैं, लिंक दे दूंगा वहाँ से चेक वगैरह कर सकते हैं जाकर। चलिए फिर दोस्तों बॉक्स पैकिंग देखने में तो काफ़ी सही से वगैरह, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स वगैरह मेंशन किया गया है, तो फटाफट ओपन वगैरह करते हैं देर न करते हुए और देखते हैं क्या क्या फीचर्स वगैरह इसके अंदर मेंशन वगैरह क्या क्या फीचर्स दी गई है निकाल, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। चलिए फिर दोस्तों बॉक्स पैकिंग ओपन कर चुका हूँ, सबसे पहले रखा मिल जाता है, यहाँ पे वो पावर कॉट मिल जाता है जिससे इसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं, तो इसको साइड में रखते हैं। इसकी क्वालिटी सही है, लेंथ वगैरह थोड़ी ब्रांड ज़्यादा कर दे थोड़ी सही रहती है, क्योंकि कई जगह पर बोर्ड डिस्टेंस वगैरह नहीं होता तो उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। कम प्राइस में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मैनेज करना ही पड़ता है, ज़्यादा प्राइस का होता तो उसमें आपको सही चीज़ें देखने के लिए मिलती है। यह दोस्तों रॉक लाइट की ब्रांडिंग के साथ आने वाला है एलईडी रिचार्जेबल टॉर्च, जिसके सबसे पहले कलर एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो कलर तो जैसे बता देख ही पा रहे हैं, ब्लैक एंड रेड का कलर कॉम्बिनेशन तो देखने में काफ़ी सही से लग रही है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, बिल्ड क्वालिटी एडिजल प्लास्टिक है, लेकिन प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो हल्का तो नहीं है, सही से प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी दी गई है, लेकिन इतना ही मजबूत नहीं है जिसको कहीं से आप गिरा वगैरह देते हो, थोड़ी बहुत 2-3 मीटर ऊंचे से गिरा देते हो टूटे ना, 100% टूटने का चांसेस है, तो आपको अपने हिसाब से मैनेज करके यूज़ करना होगा। जितना सेफली यूज़ करेंगे उतने ज़्यादातर लॉन्ग टर्म तक यूज कर पाएंगे। यहाँ पे स्ट्रैप लगाने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें स्ट्रैप वगैरह नहीं दिया, तो आप अपने हिसाब से परचेज वगैरह कर सकते हैं, करके लगा सकते हैं, आपके पास हो तो वहाँ से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको बटन दिया गया दोस्तों, इसके ऊपर टेप लगा होता मैंने यूज़ करने के लिए हटाया था, तो जब तक इसको नहीं हटाएंगे यहाँ पर लॉक दिया गया, इसको यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे ही लॉक वगैरह यहाँ से हटाएंगे तभी इसको कंट्रोल वगैरह कर पाएंगे, यूज वगैरह कर पाएंगे। यहाँ पे आपको 3 सेक्शन ब्राउन ऑफ और टॉर्च का इसका ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा। जहाँ पे आपको डैमिनेशन की बात करो तो डैमिनेशन काफ़ी देखने में तो लगता है दोस्तों, काफ़ी रगड़ देखने में लगता है, काफ़ी सही सा हैवी सा लगता है, लेकिन जितना देखने में लग रहा है इतनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसकी है नहीं। इधर की बात करो तो इधर आपको पावर कॉर्ड लगाने के लिए दिया गया, पावर कॉर्ड जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे आपको रेड ब्लिंक करेगा तो देख पाएंगे चार्जिंग वगैरह हो रहा है नहीं। इधर की बात करो दोस्तों इधर आपको 22 LED दिया गया, जिसके लिए टॉर्च LED लैंप वगैरह काम करेगा, जैसे ही यहाँ पे रखेंगे इसके लिए ऑन करेंगे तो रीड वगैरह कर सकते हैं, काफ़ी ब्राइट रोशनी वगैरह है, 5 से 6 वाट के आसपास रोशनी वगैरह प्रोवाइड कराएगा, तो आपको पढ़ाई वगैरह करना, कुछ करना, आपको काम वगैरह थोड़ा बहुत करना तो टेबल वगैरह के अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। अब इधर की बात करो दोस्तों इधर सिंगल LED टॉर्च वगैरह देगा, जिसको कहना ब्रांड का कहना 75 वाट की डिस्टेंस वगैरह LED प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपको काफ़ी डिस्टेंस मैंने भी यूज वगैरह किया देखा है, थोड़ा बहुत यूज किया, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। आपको अगर दोनों को कॉम्बिनेशन चाहिए लाइट का भी टॉर्च का भी, गांव वगैरह में रहते हैं इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ता है, तो मेरे हिसाब से रॉक लाइट की ब्रांडिंग के साधन वगैरह प्राइजिंग भी काफ़ी सही है, आपको उसमें परचेज वगैरह कर सकते हैं, तो काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। जिसमें आपको इसकी यूज वगैरह की बात करो दोस्तों तो इसमें ब्रांड का कहना फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन मैंने यूज वगैरह किया है 5 से 6 घंटे तो कम से कम लेंगे, और परफेक्ट चार्जिंग के आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूंगा कितने घंटे लगते हैं। यूज मैंने किया है, यूज़ करने की बात करूँ ये वाला यूज़ किया मैंने, इसमें आपको 4 से 5 घंटे के आसपास रोशनी वगैरह मिल जाएगा, 4 से 5 घंटे अच्छे से इसको आप यूज कर सकते हैं, अगर दोनों यूज करते हैं थोड़े थोड़े देर पे तो 7 से 8 घंटे के आसपास मिल जाएगा, लेकिन सिंगल यूज वगैरह करेंगे तो 4 से 5 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से सही है, काफ़ी अपने प्राइस में चीज़ें जो लेके आता सही है, वारंटी वगैरह तो मिली जाती है। इसकी प्राइजिंग की बात करूँ तो इसी की प्राइजिंग है दोस्तों 600-700 रुपये के आसपास प्राइजिंग है, तो जो दोस्तों अपने प्राइजिंग में लेके आता है दोनों का कॉम्बिनेशन में लेके आता है जो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है, अब इसके लिए जा सकते हैं 500-600 रुपये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो 500-600 रुपये में ब्रांड के साथ बहुत कम प्रोडक्ट आते हैं जो इतने अच्छे परफॉर्मेंस वगैरह लेके आता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ऐसे लैंप की तलाश है तो देखिए मत, सोचिए मत, जाकर परचेज कीजिए, लिंक वगैरह मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ये मैंने बहुत सारे लैंप वगैरह की अनबॉक्सिंग किए, उन सबका वीडियो देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हैं, नहीं तो इसकी दोस्तों परचेज वगैरह करना चाहेंगे तो इसको परचेज कीजिए,
ट्रस्ट कीजिए, काफ़ी सही प्रोडक्ट है। चलिए भी दोस्तों आज के लिए जानते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बेल आइकन को उसे अवेलेबल कर दीजिए और बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।